ये निर्णय की काफी शाम तक जारी हो जाएगी और पूरी जानकारी आपने नाइट कर्फ्यू की बात की है, कर्फ्यू की जिससे तोड़ा जा सकता है, इस संबंध में आपने क्या समिति क्या निर्णय? देखिए, ये कोई कोरोना कर्फ्यू है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना हम लोग कैसे निपट रहे हैं, इस बीमारी से लोगों को कैसे नुकसान पहुँचा सक रहे, इसकी बैठक आज यहाँ पे रखी है और उसमें हमने सीधी संभाग के सीधी जिले के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबको आमंत्रित किया और आज कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया। सर, कितने दिन का कर्फ्यू लगाया गया है? अभी जरूरत पड़ेगा, अभी 10 दिन का लगाया गया और जरूरत पड़ेगा तो उसको घटाया बढ़ाया जाए। क्या मंत्री जी, यहाँ में कितने लोग शामिल हो सकते हैं? 50 लोग कम से कम शादी दोनों पक्ष से मिला के। हाँ, मंत्री जी क्या जानकारी रहेगी सर? अब वहाँ पर जाएंगे तो शादी जैसा होता है वैसी शादी होगा। सब्जी वाले, ठेले वाले क्या ये लगा सकते? सब्जी वाले जो थोक व्यापारी जहाँ पर निश्चित किया गया वहाँ वो लोग अपना सब्जी बेचेंगे और जो रोडों में लगाते हैं वो ठेला में लेके घर घर मेडिकल। इसी ढंग से व्यापारी लोग किराना का सामान अगर डिमांड आता है तो उसका पैरामेडिकल और डॉक्टर्स की कमी की बातें आपकी बैठक में सामने आई, इस दिशा में आपके क्या प्रयास होंगे जिससे लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके? देखिए, मध्य प्रदेश शासन ने सीधी जिला के लिए 3 करोड़ रुपये दे दिए, जहाँ पर स्टाफ की कमी है वहाँ स्टाफ भर्ती कर वार्ड बॉय ने वहाँ करिए। कोरोना टाइम पे अगर डॉक्टर की आवश्यकता है तो डॉक्टर भी। सर, जिले में तो डॉक्टर है ही नहीं है, नर्सों के सहारे काम चल रहा है, कैसे कंट्रोल होगा? दो प्रभारी हैं, दो प्रभारी अभी आपस में लड़ाई चल रही है। जो जिला के आपके मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनके द्वारा ये जानकारी दी गई कि सब अस्पतालों में डॉक्टर की कमी, हमने ये भी कह दिया है कि अगर सब जगह है तो अच्छी बात है और जहाँ कमी है तो वहाँ भर्ती कर सकते। सर, शादी ब्याह में 50 आदमी, आपके कार्यक्रमों में 200 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी कैसे चलेगा सर? इसका पालन जनता क्या देखे सर, क्या करे? आप अंदर उनके परिवार के 50 आदमी रहते हैं तो 50 आदमी हो और 50 आदमी बाहर से आ जाए, अब वहाँ तो 300 आदमी की बात कर रहे हैं आप सर, अनुमति 50 आदमी के दो 50 अंदर अंदर और 50 बाहर तो सब हो गया। माननीय मंत्री जी, पूर्व में 7 जब कोविड थी तो यहाँ के सीमाचो को हटा दिया गया था, इस समय रोज बढ़ रहे हैं सीमाचो की लापरवाही। ये बीमारी कोई सीएमओ को कहने से नहीं हो रहा, ये कोई सीधी में भी नहीं हो रहा है, पूरे मध्य प्रदेश भारत में। क्या जनता से आप राय ले रहे हैं, जनता से पूछ रहे हैं? हम पूरा आज जनप्रतिनिधियों की बैठक है। क्या भ्रमण करेंगे आप सीधी जिले में? क्या भ्रमण करेंगे, गरीबों से मिलेंगे, उनसे भी राय लेंगे? ये अभी मैं ये कोरोना का है दौरा, अभी डेवलपमेंट की दौरा नहीं हो रही, 1 वर्ष से अधिक हो गए, 23 मार्च से पड़े हैं कोविड, एक वर्ष से अधिक हो गए कोविड का, अभी तक इसका जो अच्छी व्यवस्था नहीं बना पाए। मंत्री जी, सीधी में जैसे आपने डॉक्टरों की बात की, डॉक्टर है ही नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था में जितने आपके बताया गया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उस स्वास्थ्य केंद्र कहीं भी अभी तक डॉक्टर या स्टाफ नर्स नहीं तैनात है। ये सब निर्देश जिला प्रशासन को दे दिया गया है और आज जो जो निर्णय लिए हैं इसकी जानकारी आप कलेक्ट कर सकते। सर 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 झोला छाप डॉक्टर, सर झोला छाप डॉक्टर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, सर झोला छाप डॉक्टरों के बारे में सर। सर मंत्री सर।